22 वर्षीय युवती की हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच DLF द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी सिंहराज ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। गिरफ्तार आरोपी सिंहराज के रिमांड के दौरान पूछताछ में पता चला कि आरोपी एक सीरियल किलर है जो इससे पहले भी 3 नाबालिग लड़कियों की हत्या कर चुका है। DCP क्राइम नरेंद्र कादियान ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 31 दिसंबर को आरोपी ने 22 वर्षीय लड़की को सेक्टर 17 नहर के पुल के पास ले गया और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर आरोपी ने उसका भी गला दबाकर हत्या कर दी थी तथा उसके शव को झाड़ियों में फेंक दिया। इस मामले में शिकायत के आधार पर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में युवती की डेड बॉडी मिलने पर हत्या की धाराएं लगाने के बाद इस केस की जांच क्राइम ब्रांच DLF को सौंप दी गई थी। सेक्टर 17 नहर पुल के पास झाड़ियों से युवती का शव बरामद कर पोस्टमार्टम कराने उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया गया है। रिया नाम की लड़की और फरीदाबाद में एक अपने शॉपिंग करने के लिए आई थी और वो शॉपिंग करने के बाद अपने गांव भुपाणी जाना चाहती थी, लेकिन भुपाणी ना जाके उसका रिश्ते में एक चाचा लड़का था। उस चाचा के पास उसने कॉल किया और वो चाचा सिंहराज उसके पास चली गई। जसाना गांव का वो रहने वाला है सिंहराज। तो सिंहराज ने उसको 2 दिन तक रखा और उसके बाद ये उसकी जो ना गलत काम करके हत्या करके और आगरा कैराल में उसको फेंक दिया था। 2 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी मिली। ये ओल्ड फरीदाबाद में गुमशुदगी का पर्चा दर्ज करवाया गया था, लेकिन जब डेड बॉडी मिलने के बाद इस पर 302 धारा और 201 लगाई गई और जो कॉल डिटेल के आधार पर सिंहराज को हमने अरेस्ट किया और जो CP साहब ने श्री विकास अरोड़ा जी फरीदाबाद ने इसको अनिल CIA DLF को इसकी इन्वेस्टिगेशन हैंडओवर की और तत्पर कार्रवाई करते हुए इसको सिंहराज को अरेस्ट किया गया और सिंहराज अरेस्ट करने के बाद इसको 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया। पुलिस रिमांड के दौरान इसने बहुत बड़ी बड़ी बातों का खुलासा किया, जिसने बताया कि 2019 में एक रेहड़ी वाला था, उसकी लड़की को बुला के इसने बलात्कार करके 15 साल की लड़की थी वो और आगरा कैनाल में फेंक दिया था। इसी तरह ये गार्ड की नौकरी करता है सिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। इसी तरह एक हॉस्पिटल में सफाई करने के लिए एक लड़की आती थी जो 15-16 साल की लड़की थी, उसके साथ भी इसने बलात्कार करके और आगरा कैनाल में फेंक दिया था। 2021 में भी जो लड़की स्पाई करने आती थी उसकी एक फ्रेंड थी, उसको अपने किसी बहाने से अपने कमरे में बुलाया और बलात्कार करके और वो भी आगरा कैनाल में फेंक दिया था। और इसने अपने सगे चाचा का और भतीजा का भी मर्डर किया हुआ है, जो कि ये आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। लड़कियों के मामले में फर्स्ट टाइम ये गिरफ्तार किया गया है और ये किस्म से समझो एक सीरियल किलर की तरह एक काम करता था। इसको ये था कि भाई पुलिस पकड़ी नहीं सकती तुम्हारे को। फरीदाबाद से अतीक मलिक की रिपोर्ट।